कह रहे हैं ऑरेंज पेंट इज मेड यूजिंग टू पार्ट्स ऑफ रेड टू वन पार्ट ऑफ येलो, ग्रीन इज मेड यूजिंग वन पार्ट ऑफ ब्लू टू 11 पार्ट ऑफ येलो. इफ इक्वल अमाउंट ऑफ ऑरेंज एंड ग्रीन आर मिक्स, व्हाट रेशियो ऑफ टोटल मिक्सचर इज येलो. यानी ऑरेंज बना दो रेड एक येलो से, ठीक है, और ग्रीन बना एक पार्ट ब्लू 11 पार्ट येलो से. तो अगर दोनों की इक्वल तादाद है ऑरेंज ग्रीन की, तो उसमें येलो का कितना पार्ट होगा? देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ. एक ब्लू और 11 येलो, 12 यूनिट के बराबर है ग्रीन. दो रेड एक येलो, ये अभी सिर्फ 3 यूनिट के बराबर है. अगर 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 यूनिट हो जाएंगे. दोनों के 12 ले लो. तो देखो 2 4 8 रेड और 1 4 4 येलो, ये किस में होंगे? 12 यूनिट अगर ग्रीन के ले रहे हैं, और 12 यूनिट अगर हम ऑरेंज के ले रहे हैं, तो उसमें येलो कितना है? 11 है. ठीक है, एक ग्रीन है, 11 येलो है. तो टोटल येलो कितने हो जाएंगे? 11 और 4 15. कितने में जनाब? 24 में. तो सीधी सादी बात है, 15 अपॉन 24 जो कि कट के आ जाएगा 5 अपॉन 8.